हाँ जी मैम, टैक्सी आप ही ने बुक की थी। हाँ टैक्सी तो मैंने ही बुक की थी, लेकिन ये गाड़ी टैक्सी में लगी हुई है। हाँ मैम, ये टैक्सी में लगी हुई है। हाँ बैठिए। मैं मोटी भी बता दीजिए। हाँ 9123। ओके मैम। अब वैसे एक बात बताओ, ये गाड़ी आपने टैक्सी में क्यों लगाई हुई है? बस ऐसे ही मैम। वैसे आप जितना कमाते नहीं होंगे उससे ज्यादा तो इसके मेंटेनेंस में लग जाता होगा, है ना? नहीं नहीं मैम, सारा तो नहीं, लेकिन हाँ आधे से ज्यादा तो लग ही जाता है। तो आप एक काम करो ना, कोई नॉर्मल सी गाड़ी खरीद लो जिसमें आपके पैसे भी बचे और खर्चा भी कम हो। नहीं नहीं मैम, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? रेंज रोवर चलाना मजबूरी है? अगर इसे मजबूरी बोलते हैं ना, तो भगवान ऐसी मजबूरी सबको दे। मैम आपने वेगस मॉल के अंदर एसएस कैफे का नाम सुना था? हाँ सुना है मैंने उसका नाम। हाँ जी मैम, वो कैफे मेरा ही था। अच्छा वो कैफे तुम्हारा था? वो तो बहुत फेमस था। हाँ मैम, एक्चुअली उस टाइम कैफे था तो महंगी महंगी चीजों का शौक पाल लिए, इतनी महंगी कार ले ली, आईफोन ले लिया, ब्रांडेड चीजें ले ली, लेकिन बाद में कोरोना आने के बाद सब बंद हो गया। एम्प्लॉयज की सैलरी देना मुश्किल हो गया था, और रेंट की तो आप पूछो ही मत। उस टाइम सिर्फ दो रास्ते थे, या तो फिर इस गाड़ी को बेच दूँ या फिर मेहनत करके इसकी EMI पूरी कर दूँ। तो बस मैंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया और बस इनकी EMI भर रहा हूँ। भैया आप खाना क्यों बना रहे हो? बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना, अब तो हमारे पास पैसों की कमी भी नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, बाहर ही चलते हैं खाना खाने। क्या हुआ स्वरा, अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो? और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें सेविंग्स करनी चाहिए ना, ना कि उन्हें ऐसे उड़ाएं। क्या पता कल को कैसा टाइम देखना पड़ जाए हमें, इसलिए पैसों की कदर करो और जाओ चुपचाप बैठो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है भैया। क्या हुआ मैम, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, बस मेरे भैया ने मुझे एक बात सिखाई थी, मुझे वही बात याद आ गई। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है मैम? आपने SB मॉल का नाम सुना है? हाँ मैम सुना है ना, बाय द वे पहले मैं उसी में अपना कैफे खोलने वाला था, क्योंकि वहाँ क्राउड भी बहुत ज्यादा था तो सेल भी अच्छी होती, लेकिन वहाँ का रेंट बहुत ज्यादा था तो बस फिर मैंने वहाँ का प्रोग्राम डिक्लाइन कर दिया और वेगस में खोल लिया कैफे। अच्छा तुम्हें पता है SB मॉल में ना मेरे पापा की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, अगर तुम चाहो तो अपनी शॉप वहाँ खोल सकते हो, तुम्हारा कैफे अच्छा चलेगा वहाँ पर। और रेंट की टेंशन मत लेना, वो जब तुम्हारे प्रॉफिट आने लगे तब तुम मुझे दे देना। वैसे भी काफ़ी टाइम से वो खाली पड़ा है, अगर आपके काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। क्या सच में मैडम? हाँ सच में। फिर तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और आप देखना जल्दी से मेरे कैफे से प्रॉफिट आना भी स्टार्ट होगा और फिर मैं आपका रेंट भी दे दूंगा। मुझे भी आप पे ट्रस्ट है, आप अपना कैफे अच्छा चलाओगे। और तुम मुझे घर तो छोड़ ही रहे हो, तो एक काम करो तुम ऊपर आ जाना, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। और हाँ थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और बताओ सागर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैम मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, एक मिनट ये लो इस महीने का रेंट। लगता है तुम्हारे कैफे से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। हाँ मैम, सब कुछ आप ही की वजह से है, और वैसे भी ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये ना एहसान वैसान कुछ नहीं होता, बस पैसे से बढ़कर एक चीज होती है। पैसों से बढ़कर? मैम पैसों से बढ़कर क्या हो सकता है? समय, समय सबसे बलवान होता है। एक टाइम पर तुम इतनी महंगी महंगी चीज खरीदते थे, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि तुम्हारे पास रेंट देने तक के पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए समय से आगे कुछ भी नहीं है। और अब देखो तुम्हारा कैफे कितना प्रॉफिट दे रहा है, तो इसलिए पैसों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसों से बढ़कर है समय, और समय हमारी लाइफ में कुछ भी करवा सकता है। सही कहा मैम आपने, चलो मैं चलता हूँ, किसी दिन टाइम मिले तो आना कैफे पे। ठीक है।